بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to the seventh session of Git and GitHub series by Fractal Labs. So हमारा इस session का जो main मकसद है वो connecting Git and GitHub. ये जो topics हैं इंशाल्लाह ये हम discuss करेंगे इस session में. So what we'll do in this session is connecting Git local Git repo with GitHub. हमारा जो local code है Git में उसको हम GitHub पे कैसे push करेंगे. लोकल वर्सेज रिमोट ब्रांचेस एंड पुल रिक्वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंस्ट रेजोल्यूशन. सही है, ओवरऑल ये सारी चीजें इंशाल्लाह अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे. राइट नाउ वी ऑलरेडी हैव अ गुड वेरी गुड इंट्रोडक्शन ऑफ गिट कि गिट हमारे पास क्या है प्लस गिट हब हमारे पास क्या है एंड वी नो द डिफरेंस एज वेल. इफ यू डोंट नो द डिफरेंस जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोज. वी हैव लाइक वेरी डिटेल डिस्कशन ऑन दीज टू टॉपिक्स प्रैक्टिकली. या सो नाउ कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक कि हम अपने गिट हब को लोकल गिट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे. सो ये प्रोजेक्ट हमने ये रिपोजिटरी हमने गिट हब पे क्रिएट की थी गिट एंड गिट हब प्रैक्टिस के नाम से. सही है, एंड ओवर हियर वी ऑलरेडी हैव गिट रेपो एज वेल गिट प्रैक्टिस के नाम से. सही है, सो उसमें हम उस पर मूव करते हैं उस रेपो में गिट प्रैक्टिस. सही है, so we have a git repo over here. सही है, git status. सही है, we already have a git repo over here. so यहाँ पर हम किस branch पे हैं, master branch पे है, nothing to commit. हमारा status सारा clean है. इसमें हम branches देख सकते हैं. git branch, इसमें हमारे पास right now दो branches हैं, एक dev है एक master है. सही है, so right now for now मैं dev को delete कर देता हूँ क्योंकि उसकी right now जरूरत ही नहीं है. so git check git branch डैश डी डेफ. सही है, और डेफ ब्रांच को मैंने डिलीट कर दिया है. सही है, राइट नाउ यू कैन सी ओवर हियर गेट ब्रांच, सो वी हैव जस्ट मास्टर ब्रांच ओवर हियर. सही, अब हमने करना क्या है, इस गिट हब रिपोजिटरी को हमने कनेक्ट करना है गिट के साथ, लोकल जो हमारा गिट है गिट रिपोजिटरी है उसके साथ कनेक्ट करना है. तो उसका सारा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन भी है. सही है, हमने जस्ट ये प्रोसेस फॉलो करना है. अब यहाँ पर हमारे पास जो गिट के साथ कनेक्ट होने के ये दो ऑप्शंस हैं, एक HTTPS है और दूसरा हमारे पास SSH के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं. सही है, बट फॉर नाउ SSH इज अ बिट मोर सिक्योर वे. बट अगर आपको राइट नाउ SSH के बारे में नहीं पता, सो द रिकमेंडेड वन इज फॉर नाउ टू यूज HTTPS. फॉर नाउ आई माई सेल्फ यूज HTTPS एज वेल. सो करना क्या है, यहाँ से जैसे इसको कॉपी करना है. सही, जो आपका यू आर एल है, ये यू आर एल आप कॉपी करते हैं या आप ये यू आर एल कॉपी करते हैं, बात एक ही है. सही है, एंड देन आपके पास ये कमांड है. सो हम यहाँ पर आएंगे उसी रिपोजिटरी के अंदर, हमने ऐड करना है एक रिमोट रिपोजिटरी. सही है, सो गिट रिमोट एड ओरिजिन. अब ओरिजिन हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस रिपोजिटरी का लिंक होता है ओरिजिन में. सही है, सो एंड ओरिजिन उसके हम आगे लिंक देते हैं. सही है, अब इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, हमने राइट नाउ ओरिजिन रखा हुआ है. सही है, आप ओरिजिन एक्स जो नाम आप रखना चाहें. सही है, कुत्ता बिल्ली जो भी नाम आप रखते हैं आप रख सकते हैं एग्जैक्टली जो आप आपको बेहतर लगता है, बट द प्रैक्टिस इज मोस्टली वी यूज ओरिजिन. सही है, कि ये हमारे पास ओरिजिन होता है रिमोट रिपोजिटरी का. सो दिस इज एन ओरिजिन. सो हमारे पास ये कमांड है गिट रिमोट एट ओरिजिन. सो आप ये ऐड करेंगे, सो हमारे पास ये अब ओरिजिन हमारे पास एक रिमोट वर्जन ऐड हो गया है. सही है, अगर आपने चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से रिमोट रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं, सो गिट रिमोट एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाता है कि आपके पास ये एक ओरिजिन है. सही है, अगर आपने देखना है कि यूआरएल भी देखना है कि इसका यूआरएल क्या है, सो डैश वी गिट रिमोट डैश वी तो आपके पास आ जाता है कि यार आपके पास ओरिजिन है. सो ये आपके पास ये आपका ओरिजिन कहाँ पे कनेक्टेड है, आपके रिमोट रिपोजिटरी का ओरिजिन हमारे पास ये है. सही है, मतलब फिच एंड पुश दोनों कर सकते हैं इसे. फिच एंड पुश दोनों का जो है ना आपके पास यूआरएल ये है. सही, सो ओरिजिन हमारे पास कहाँ पे कनेक्टेड है, इस रिपोजिटरी के साथ. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमारे पास जो लोकल कोड मौजूद है. सही है, लोकल कोड हमारे पास कहाँ पर है, पीडब्ल्यूडी हम कहाँ पर है, गिट प्रैक्टिस के नाम से है. सही है, सो हम यहाँ पर आते हैं गिट एंड गिट प्रैक्टिस. सही है, यहाँ पर ऑलरेडी सपोज ये हमारा कोड है. सही है, इसको हमने पुश करना है गिट हब पे. सही है, राइट नाउ आप लोग देख लें यहाँ पर हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, ना कोई फाइल है ना कोई, जब आपके पास कोई आपने कोई कोई कोड वगैरह एड नहीं किया होता गिट हब रिपोजिटरी में तो आपके पास ये स्क्रीन आता है. सही है, सो मैं क्या करता हूँ ओवर हियर राइट नाउ,
यहां से मैं ये रिपोजिटरी पुश करूंगा गिटहब पे, सही है। तो उसको पुश करने का तरीका क्या है, गिट पुश आप ऑरिजन देंगे, सही है। ऑरिजन और ऑरिजन के बाद आपने ब्रांच नेम मेंशन करना है कि जो ब्रांच आपने पुश करना है गिटहब पे, सही है। सो यहां पर हमारे पास राइट नाउ मास्टर ब्रांच है, तो मैं मास्टर ब्रांच को पुश करना चाहता हूँ गिटहब पे। सो यहाँ पर आप लिखेंगे मास्टर, सही है, गिट पुश ऑरिजन, आप ऑरिजन देंगे कि ऑरिजन आपके पास ये है, इस ऑरिजन पे आपने किस ब्रांच पे पुश करना है, कौन सा ब्रांच पुश करना है, इस ऑरिजन पे हमने मास्टर ब्रांच पुश करना है, सही है। आप इंटर करेंगे सो ये स्टार्ट कर लेगा आपका ये कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से आपका ब्रांच पुश कर दिया है, किस किस लोकेशन पे, इस ब्रांच पे इसने आपका ब्रांच पुश कर दिया है, सही है। न्यू ब्रांच एंड मास्टर, मास्टर ब्रांच को एक नया यहाँ पर गिटहब पे एक नया ब्रांच क्रिएट किया है इसने मास्टर, और आपका जो हमारा लोकल मास्टर ब्रांच था उसने उस मास्टर ब्रांच पे उसको पुश कर दिया है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमारा जो ब्रांच था वो पुश हो गया है। यहाँ पर इनिशियली अगर आपने अगर आप फर्स्ट पुश कर रहे हैं गिटहब पे, सो आपसे यहाँ पर जब आप पुश करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जहां पर आपको आपने गिटहब लॉग इन करना होता है, सही है। अब ऑलरेडी वो पॉपअप हमारे मेरे पास भी आया था, उसको मैं लॉग इन कर चुका हूँ ऑलरेडी, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी पॉपअप अगेन, सही है। सो जब आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट पुश कर रहे हो गिटहब पे, सो आपके पास वो पॉपअप भी शो होगा, सही। आपने जो रिपोजिटरी यहाँ पर मेंशन की है ना, सो इसका आपके पास पॉपअप भी शो होगा कि ये रिपोजिटरी, और इस रिपोजिटरी में अगर आप एडेड हैं एज अ कंट्रीब्यूटर तब आप इस रिपोजिटरी में अपना कोड पुश कर सकते हैं, सही है। अगर आप इस रिपोजिटरी में एज अ कंट्रीब्यूटर एड नहीं है तो आप अपना कोड इस रिपोजिटरी पे पुश नहीं कर सकते। राइट नाउ आई एम अ कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस रिपोजिटरी, सो दैट्स व्हाई आई कैन एड, आई कैन पुश माई कोड ओवर देयर। सो अब इसको अगर मैं रिलोड करूंगा तो जो कोड मेरे पास वहां पर था वो यहाँ पर आप देख लें आपके पास हमारे पास आ चुका है, ये देखें test.txt हमारे पास वो कोड यहाँ पर आ चुका है जो कोड हमने लिखा था, सही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये तो हो गया है कि हमने इनिशियली अपना कोड कैसे पुश करना है, सही है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, सो जो ब्रांचिंग का कंसेप्ट था वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, सही है। जो ब्रांचिंग का हमारा कंसेप्ट है ना वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं, ये हमारे पास राइट नाउ देख सकते हैं ना कि ये हमारे पास एक ही ब्रांच है मास्टर, सही है। अगर आपने इस मास्टर ब्रांच से एक नया ब्रांच क्रिएट करना है सो आप जस्ट डेफ लिख दें तो इस ब्रांच से एक नया ब्रांच क्रिएट हो जाएगा डेफ, सही है। तो यहाँ पर आपके पास एक नया ब्रांच भी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, सही है। राइट नाउ मैं डेफ ब्रांच पे हूँ, सही है। सो लेट्स सपोज अगर यहाँ पर कोई ब्रांच है जिसको आप अपने साथ पुल करना चाहते हैं, सही है, यहाँ पर तो आप उसको पुल भी कर सकते हैं, सही है। मतलब उसका कोड अगर आपको चाहिए यहाँ पर, सो गेट पुल ऑरिजन, हमने किस ब्रांच को पुल करना है, डेफ को, सही है। सो जिसने क्या किया है, एक नया ब्रांच डेफ पुल किया है हमारे पास यहाँ पर, सही है। सो अब यहाँ पर अगर मैं गेट ब्रांच देखता हूँ, सो हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं राइट नाउ, सॉरी हमारे पास यहाँ पर एक ही ब्रांच है, सही है। ओके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया ब्रांच क्रिएट करता हूँ गेट चेकआउट डैश बी डेफ, सही है। एंड यहाँ पर मैं क्या पुल करता हूँ, गेट पुल डेफ, डेफ को मैंने यहाँ पर पुल कर दिया है, सॉरी गेट गेट पुल ऑरिजन एंड डेफ, सही है। सो डेफ ब्रांच हमारे मेरे पास यहाँ पर पुल हो गया है, सही है। बाकी प्रोसीजर हमारा सेम है, प्रोसेस जो ब्रांचिंग का कंसेप्ट है हमने सेम एग्जैक्टली वही यूज करना है, सही है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर वर्जन 2 भी रेडी हो गया है, सही है। अब मैं वर्जन 3 पे काम कर रहा हूँ, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास वर्जन 2 है, वर्जन 2 तक लेट्स सपोज हो चुका है, सो दिस जस्ट अ सिमुलेशन में यूज कर रहा हूँ कि वर्जन 2 और वर्जन 1 का नाम यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक्चुअल प्रोजेक्ट है तो एक्चुअल प्रोजेक्ट भी आप काम कर सकते हैं, सही है। बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी एक्चुअल प्रोजेक्ट जिसको आपकी जिसकी आपको भी समझ आ रही हो, दिस इज द सिंपलेस्ट वे, सो दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस। सो लेट्स सपोज ये मेरे पास कोड था वर्जन 2 का, सही है। लेट्स सपोज अभी मैंने वर्जन 3 पे काम स्टार्ट करना है, सही है। सो दिस इज वर्जन वर्जन 3, सही है। सो मैं एक नया ब्रांच क्रिएट किया है डेफ के नाम से, और डेफ को डेफ में मैंने जो गिटहब डेफ का जो कोड था वो मैंने पुल कर दिया है, सही है। प्रोसीजर सेम है, लेट्स सपोज नए ब्रांच पे काम करना है तो हमने ये नया प्रोसीजर जो हमने लास्ट टाइम जो सेकंड लास्ट सेशन था हमारा उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रांचिंग के जो मेन
जो ट्रेंड्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं कि हमारे पास मास्टर ब्रांच में हमारे पास स्टेबल कोड होगा एंड फिर हम डेफ क्रिएट करेंगे एंड डेफ से हम डेफ में हम डेवलपमेंट करेंगे जो हमने जो नया ब्रांच नया वर्जन क्रिएट कर रहा है, सही है। सो मैं इसी तरह मैंने भी यहाँ पर डेफ क्रिएट किया है, तो अभी मैं स्टार्ट काम स्टार्ट करता हूँ वर्जन 3 पे, सही है। सो इसको मैं सेव करता हूँ एंड राइट नाउ आई एम ब्रांच डेफ, सो गिट 8 गेट कॉमिट डैश एम। अब ये जितने भी चेंजेस हैं ना, ये मेरे पास कहाँ पर हो रहे हैं, ये चेंजेस हमारे पास यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी में हो रहे हैं, सही है, रिमोट में नहीं हो रहे राइट नाउ, सही है। रिमोट पे चेंजेस अपलोड करने होंगे हमें, वो चेंजेस जो हम कर रहे हैं ना लोकल में उसको हमें पुश करना पड़ेगा गिटहब पे। सो वर्जन 3 स्टार्टेड, सही है। अब यहाँ पर लेट सपोज मैंने एक नया मैं एक नया फीचर बना रहा हूँ, सो मैं डेफ से एक नया ब्रांच क्रिएट करता हूँ गेट चेकआउट डैश बी फीचर नंबर, लेट सपोज को मैं नाम देता हूँ फीचर 4, सही है। एंड यहां पर मैं आता हूँ, यहां पर मैं फीचर 4 ऐड कर देता हूँ, फीचर नंबर 4 डन, सही है। सो ये ब्रांच था एंड गेट गेट 8 गेट कॉमिट डैश एम फीचर 4 डन, सेम प्रोसेस है जो हमने लास्ट टाइम भी फॉलो किया था, सही है। हमारे पास यहाँ पर अभी हो चुका है, हमारे पास ये फीचर 4 हो गया है, सही है, डन। अब हमने ये नहीं करना कि हम इसी ब्रांच को डायरेक्टली यहाँ पर लोकल में मर्ज कर दें, सही है, लोकल में मर्ज नहीं करना, आपने कोशिश यही करनी है, सही है। अभी हमने करना क्या है, इस ब्रांच को लेट सपोज अगर आपने अभी हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को डेफ में मर्ज करेंगे, सही है। बट डेफ को राइट नाउ हम लोकली मर्ज नहीं करते, हम चाहते कि यार इस ब्रांच को मैं गिटहब पे पुश कर दूं और वहां से फिर मैं जो एक पुल रिक्वेस्ट होता है जो मर्जिंग का जो प्रोसेस है उसको हम पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं, वो भी हम करेंगे प्रैक्टिकली, सही है। सो अगर हमने दो ब्रांचेस को मर्ज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो फीचर 1 का ब्रांच है इसको मैं पुश करता हूँ उस पे गिटहब पे, सही है। सो गिट पुश ओरिजिन, अब कौन सा ब्रांच मैंने पुश करना है, फीचर डैश, अब मैं किस फीचर पे हूँ, फीचर 4 है ना, फीचर 4 ब्रांच पे हूँ, सो इसको हम मैं पुश करता हूँ गिटहब पे, सही है। सो अब ये फीचर 4 गिटहब पे पुश हो गया है, सही है। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ इसको मैं रीलोड करता हूँ, सो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज भी आएगा कि एक नया ब्रांच पुश हो चुका है, सही है। अब यहाँ पर देख लें फीचर 4 का ब्रांच आ चुका है, सही है। मैं यहाँ पर वापस गेट में आता हूँ, सो ये देखें हमारे पास आ रहा है कि फीचर 4 हैज रिसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो, तो यहाँ पर मैंने एक नया ब्रांच पुश किया है फीचर 4 के नाम से, सही। सो राइट नाउ मैं डेफ पे हूँ, सो मैं डेफ में कोड चेक करता हूँ, सो डेफ में मेरे पास फीचर 4 एडिट नहीं है, सही है। मैं अगर नेक्स्ट ब्रांच पे आता हूँ फीचर 4 ब्रांच पे, सो फीचर 4 में देखें, फीचर 4 में टेस्ट डॉट प्रैक्टिस में देखें मेरे पास वो फीचर 4 जो मैंने नया कोड पुश किया था वो भी आ रहा है, सही है। सो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, सही। सो अब मैंने करना क्या है, अगर मैंने इस ब्रांच को मर्ज करना है, ये फीचर 4 का जो ब्रांच है, सही है, ये फीचर 4 का जो ब्रांच है इसको अगर मैंने मर्ज करना है डेफ में, सो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से फीचर 4 पे आएंगे राइट नाउ, लेट सपोज आप लेट सपोज मास्टर पे थे, सही है। मास्टर में हमने डायरेक्टली कोड को अपने कोड को हमने डायरेक्टली मास्टर में मर्ज नहीं करना, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफ में मर्ज करेंगे जितने भी फीचर्स से हमारे सारे फीचर्स फाइनलाइज हो जाए, उन सारे फीचर्स को हम डेफ में मर्ज करेंगे एंड जब हमारे साथ सारे फीचर फाइनलाइज हो जाए डेफ में मर्ज हो जाए और उसको टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर डेफ को मास्टर में जाके मर्ज करेंगे जब वो स्टेबल हो जाए, सही है। सो हम डायरेक्टली मर्ज नहीं करेंगे मास्टर में, सही है। सो लेट सपोज मैंने इस ब्रांच को मर्ज करना है, सही है। सो यहां से आप क्या करेंगे, अब यहां पर हमारे पास डायरेक्टली वो मर्ज का कमांड नहीं जिस तरह हमारे पास लोकल गेट में था, सही है। सो यहां से हम कैसे करेंगे उसको, यहां से हम एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, सही है। अब पुल रिक्वेस्ट हमारे पास क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट जस्ट एक सेम हमारे पास वो मर्ज रिक्वेस्ट ही होता है, सही है, जिस तरह हम एक मर्ज करते हैं ना डायरेक्टली, सो पुल रिक्वेस्ट तकरीबन सेम काम करता है, सही है। बट पुल रिक्वेस्ट ये होता है कि आप मतलब लोगों को असाइन कर सकते हैं, काफी सारे ऑप्शन इसमें मौजूद है हमारे पास, सही। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर आप डिटेल लिखेंगे कि इस फीचर 4 ब्रांच पे आपने क्या क्या किया है, सही है। सो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ फॉलोइंग थिंग्स डन, सही है। सो एक मैं ऐड करता हूँ फीचर वर्जन 3 स्टार्टेड, सही है, एंड फीचर
फोर डन, सही है। आप यहां से क्या कर देंगे, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे, सही है। अब पुल रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है, सॉरी, अच्छा पुल रिक्वेस्ट में ये है ना कि आप यहाँ पर इसमें रिव्यूअर्स भी ऐड कर सकते हैं, सही है। यहाँ से आप अगर आपके पास मल्टीपल बंदे कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना प्रोजेक्ट में, तो आप यहाँ से रिव्यूअर्स भी ऐड कर सकते हैं, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई रिव्यूअर है नहीं, बट ये थोड़े एडवांस के टॉपिक्स हैं, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बट एनी हाउ दिस इज हाउ यू कैन डू इट, सही है। सो यहाँ पर हमारे पास एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट हो चुका है। सो जब हम एक आप लेट्स सपोज एक डेवलपमेंट टीम में आप काम करते हैं, तो उसमें अक्सर उसमें ये होता है कि आपके पास टीम लीड भी होता है, सही है। सो आप एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, और यहाँ पे जो आपका टीम लीड है ना, उसको आप एज अ रिव्यूअर ऐड करते हैं। तो आपका जो टीम लीड है वो आके आपके कोड को रिव्यू करता है, सही है, और आपका कोड फिर वो मर्ज करता है, आप खुद मर्ज नहीं करता है। बेहतर तरीका ये है कि आपको जो रिव्यूअर है ना, वो जाके आपका कोड मर्ज करें, सही है, आप खुद मर्ज ना करें उसको, सही है। बट राइट नाउ जैसा आपको दिखाने के लिए कि हमने कोड को कैसे मर्ज करना है, सो यहाँ से हम अपने कोड को मर्ज कर सकते हैं, सही है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई कमेंट्स वगैरह ऐड करने हैं, सही है, सो यहाँ पर आप कंप्लीटली एक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका जो है ना, वो जो रिव्यूअर है, आपको कोई मैसेज यहाँ पे लिखे कि यार आपकी ये चेंजेस दोबारा से करो, दोबारा से नया पुल रिक्वेस्ट जनरेट करो, तो वो सारी जितनी भी कोलैबोरेशन है आप यहाँ पर इस ब्रांच में कर सकते हैं, जबकि ये फीचर्स हमारे पास लोकल गिट में मौजूद नहीं है, सही है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि हमारे पास जो गिट हब, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ, वेरी एडवांस वर्जन ऑफ गिट है, जो कि हमारे पास कोलैबोरेशन इसमें पॉसिबल है। सो यहाँ पर इसको हम मर्ज कर सकते हैं। ओ सॉरी शिट, यहाँ पर जो मैंने जो मैंने पुल रिक्वेस्ट जनरेट की थी, वो मैंने गलत रिक्वेस्ट जनरेट की है, वो फीचर फोर से मैंने मास्टर पे जनरेट की है, सही है, जो कि ठीक नहीं है। हमें करनी थी फीचर फोर से डेफ पे, सही है। सो मैं क्या करूँगा, कन्फर्म मर्ज के बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस पुल रिक्वेस्ट को मैं क्लोज कर दिया है मैंने, सही है, मर्ज करने की बजाय इसको मैंने क्लोज कर दिया है, इसको मैंने मर्ज नहीं किया। सो मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, फीचर फोर पुल रिक्वेस्ट, सही है। अच्छा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपके जो डिफॉल्ट ब्रांच होता है वो आ रहा होता है, सही है। सो मैंने फीचर फोर से किस ब्रांच पे मर्ज करना था, डेफ पे, सही है। Following things. What the hell? Version 3 started and feature 4 done. सही है। तो यहां से मैंने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है किस ब्रांच पे, डेव ब्रांच पे, सही है, मतलब मैं इस ब्रांच को डेव ब्रांच के साथ कनेक्ट पुल सॉरी मर्ज करना चाहता हूं, सही है। सो यहां से आप उसको मर्ज कर सकते हैं कंफर्म। सो यहां से इस तरह हमने इस ब्रांच को यहां पर मर्ज कर दिया है, सही है। सो दिस इज हाउ यू कैन मर्ज वन ब्रांच इनटू अनदर ब्रांच, सही है। So, अभी हम जब डेफ पे आएंगे तो जो फीचर नंबर 4 के जो चेंजेस थे वो हमारे पास डेफ में भी आ चुके होंगे, सही है। अब ये क्या क्या बता रहा है, डेफ हैज रीसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो, सही है, क्योंकि मैंने डेफ ब्रांच में जो फीचर 4 था उसको ऐड किया था, सही है। अगर इसमें देखें ना, अब डेफ ब्रांच में भी हमारे पास वो फीचर 4 आ गया है कि फीचर 4 डन। सो दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स, सही। अच्छा इसको करने के बजाय अब हम जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के बाद हम उसको रिजॉल्व कैसे करना है उस कॉन्फ्लिक्ट को, सही है, वो हम देखते हैं एक नज़र। सो यहाँ पर मेरे पास डेव ब्रांच है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वापस चेकआउट होता हूँ, गेट चेकआउट डेव। यहाँ पर एक्चुअली मैंने चेंज, यहाँ पर जो फीचर 4 का जो ब्रांच था उसको मैंने यहाँ पर ये जो लोकल डेव है इसके साथ मैंने मर्ज नहीं किया था, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मेरे पास वो कोड नहीं होगा, सही है। मैं डेव पे मूव हुआ हूँ ना, सो यहाँ पर मेरे पास वो फीचर 4 का कोड, एक मिनट इसको क्लोज करते हैं, क्लियर गेट चेकआउट डेव, डेव पे हैं, सही है, ऑलरेडी हम डेव पे हैं, सही है। ये देखें फीचर 4 का कोड मेरे पास नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर वो कोड मैंने मर्ज नहीं किया था, सही है। बट यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर मर्ज किया है ना, वो यहाँ पर गिटहब का डेफ ब्रांच है, सही है। हमारे पास ये गिटहब का डेफ ब्रांच है, एक हमारे पास लोकल डेफ है,
सही है। तो ये दो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, एक को हम रिमोट ब्रांच बोलते हैं, वहां एक हमारे पास लोकल होता है। सही है। सो मैं क्या करता हूँ, गेट पुल ऑरिजन डेफ, तो मतलब डेफ में जो कोड है उसको मैं पुल करता हूँ, जो करंट हमारे पास डेफ है ऑलरेडी उसमें मैं डेफ मूव कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ उसको। सही है, क्लियर। तो वो चेंजेस हमारे पास यहाँ पर भी आ गए हैं। अभी हम दोबारा सीरीज को रीओपन करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे पास जो लोकल डेफ है उसमें भी वो चेंजेस आ गए हैं। अब अगर हमने ब्रांचेस चेक करने हैं, गेट ब्रांच, तो हमारे पास ये लोकल ब्रांचेस हैं, डेक डेफ है, एक फीचर फोर है, एक हमारे पास मास्टर है। अगर आपने रिमोट ब्रांचेस भी देखने हैं, डेफ ए, जब आप ए करते हैं तो आपके पास जो जो जितने भी लोकल एंड रिमोट ब्रांचेस हैं वो सारे आ जाते हैं। अब हमारे पास रिमोट ब्रांच कौन सा है, ये हमारे पास रिमोट ब्रांच है, रिमोट ब्रांच डेफ। सो ये जो यहाँ पर डेफ ब्रांच है ना, वो यहाँ पर रिमोट हमें शो हो रहा है, ये सारे रिमोट ब्रांचेस हैं। सही है। सो ये भी आपको यहाँ पर विजिबल होते हैं अगर आप देखना चाहें। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है। सही है, डेव में हमने एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है एंड उसको फिर हमने रिजोल्व करना है। सही है। सो यहाँ पर मैंने ये कोड पुल किया है ना, इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इस फाइल में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। सॉरी, मैं डेव ब्रांच पे आता हूँ एंड यहाँ से मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं बाय फोर्स में यहाँ पर कोई एक वो ऐड कर रहा हूँ। सही है, इसको मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। हालांकि यहाँ यहाँ से आपने एडिटिंग नहीं करनी है, अगर आप यहाँ से एडिट करेंगे तो आपके पास फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, बट यहाँ पर मेरा मकसद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का है, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। सही है, मैं यहाँ से कॉमेंट ऐड कर देता हूँ। सो इसको मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिए हैं। सही है, अब मैं यहाँ पर दोबारा से आता हूँ, यहाँ पर लेट सपोज मैं एक और फीचर ऐड करता हूँ। सही, मैं डेफ पे हूँ, गेट चेकआउट डैश बी फीचर नंबर 5। सही है, तो अब मैं फीचर नंबर 5 पे हूँ ना, सो फीचर नंबर 5 पे हम देखते हैं। सो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास असल में देखें फीचर 4 डिफरेंट है, यहाँ पर फीचर 4 डिफरेंट है। सही है, सो अभी ये हमें ये भी एक मर्ज कन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा जब मैं मर्ज करने की कोशिश करूंगा। सही है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर मैंने चेंज किया है बट उसको मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एक मर्ज कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, बल्कि होगा। फीचर 5 डन, इसको मैंने सेव कर दिया है। इसको कमिट करने के बाद गेट कमिट डैश एम फीचर 5 डन, गेट पुश ओरिजिन फीचर 5, सॉरी स्पेलिंग गलत था, गेट पुश ओरिजिन, और मैं ये इस ब्रांच को भी मैं यहां पे गेटहब पे पुश कर रहा हूं। उसको मैंने पुश कर दिया है। सही है, अब यहाँ पर इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास ये ब्रांच आ जाएगा। सही है, अब ये देखें आपके पास फीचर 5 आ गया है, रिसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो। सही है, अब अगर मैं यहाँ से एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, अगेन मैं किस पे क्रिएट करता हूँ, डेफ पे, और यहां से मैं ऐड करता हूँ फीचर 5 done। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपको बता रहा है कि आप कैन नॉट ऑटोमेटिकली मर्ज, ये ऑटोमेटिकली मर्ज नहीं होगी, यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बट स्टिल हम यहाँ से एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सही है, जब हम यहाँ से एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पर जब मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है ना, सो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मर्ज का जो ऑप्शन है ना वो डिसेबल आ रहा है। सही है, ये क्या बता रहा है कि दिस ब्रांच हैज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व, पर वो कॉन्फ्लिक्ट हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट। सही है, सो हम यहाँ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पर क्लिक करेंगे, सो आपके पास यहाँ पर वो रिजोल्यूशन का ऑप्शन आ जाता है। सही है, अब ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपके पास एक कॉन्फ्लिक्ट है, और एक कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आपके पास ये देखें जो हमारे पास हेड है ना डेफ ब्रांच में, आपके पास ये है, जस्ट ये है, जबकि आपके पास जो है ना वर्जन 3 में, सॉरी जो फीचर 5 का जो ब्रांच है उसमें आपके पास ये कोड है। सही, मतलब ये कि आपके पास ये जो फीचर 4 है ना, ये यहाँ पे चेंज डिफरेंट है, आपने कौन सा यहाँ पे रखना है, कौन सा रिमूव करना है। सो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने चेंजेस किए थे ना यहाँ पर, इसमें वो भी रहे, और इसको मैं यहाँ से उठा के वही प्रॉपर यहाँ पे ऐड कर दूँ। सही है, और इसको भी मैं यहाँ से
जब ये देखें मैं इस तरह चाहता था, सही है, मैं इस तरह चाहता था तो मैंने इसको इस तरह कर दिया है। अगर आप ये इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं एंड दूसरा जो कंप्लीट ब्रांच वो कंप्लीट नेम था उसको अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते थे, वो आपके आपके पास ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। बट यहाँ पर आपको यही ऑप्शन देता है कि आप अगर आपने कुछ चेंजेस अपने तरतीब से करना है तो आप उसको कर सकते हैं, सही है। सो यहाँ पर उसको मैंने चेंज कर दिया है एंड देन मार्क इज रिजॉल्व कमिट मर्ज, सही है। सो इस कॉन्फ्लिक्ट को हमने रिजॉल्व कर दिया है, इसको फिर हमने कमिट कर दिया है दोबारा से। अब यहाँ पे दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट एंड यहाँ से अब आपका ब्रांच मर्ज हो जाएगा, सही है। सो आपका ये ब्रांच भी डेफ में मर्ज हो चुका है, सही है। सो लेट सपोज हमारे सारे डेफ का जो ब्रांच था, डेफ में जो काम था वो खत्म हो गया है, सही है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लेट सपोज ये डेफ ब्रांच है, ये हमारे पास प्रॉपरली रेडी है, इसको हम अभी मतलब ये इसको हमने टेस्ट भी फॉर एग्जाम्पल कर दिया है कि प्रॉपर काम कर रहा है, सारा कुछ रेडी है, कोई मसला नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इस डेव ब्रांच को हम मर्ज करेंगे मास्टर में, सही है। सो इस ब्रांच को हम मर्ज करते हैं मास्टर में, सही है। बट डायरेक्टली कुछ लिखने के बजाय डायरेक्टली मर्ज करते हैं क्योंकि उस पर टाइम लगेगा एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम राइट नाउ, सही है। आपके साथ सारे कमिट्स आ रहे हैं, सही है, ये सारे कमिट्स हुए हैं इसमें एंड देन मर्ज कर दिया है इसको, सही है। अभी अब दोबारा इस ब्रांच पे आएंगे, सॉरी इस ब्रांच पे दोबारा से आएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास मास्टर है ना, तो मास्टर में वो सारे चेंजेस जो हमने किए थे वो भी यहाँ पर, ये वो हमने यहाँ पर मर्ज कर दिए थे, वो सारे चेंजेस आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, सही है। सो दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस वर्क, सही है। सो ये था हमारा पूरा गिट एंड गिट हब का सीरीज। इसके अलावा अगर आप अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए और यहाँ से जो जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पर मौजूद है, आप जो मेरा प्रोफाइल है वो उस पर आएंगे harunkhan9426@gmail.com, ये तो मेरा ईमेल है बट एनी हाउ आप ये URL एंटर करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा एंड देन आप यहाँ रिपोजिटरी के सेक्शन में आके आपको ये गिट एंड गिटहब प्रैक्टिस की रिपोजिटरी मिल जाएगी, सही है। सो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कुछ और रिपोजिटरीज अगर आपने चेक करनी है, सो वी हैव लॉट्स ऑफ अदर रिपोजिटरीज एज वेल जो कि पब्लिक हैं, कुछ प्राइवेट हैं जिसमें क्लाइंट्स का कोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो तो आपके लिए आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होगी बट जो पब्लिक रिपोजिटरीज हैं वो आप देख सकते हैं, सही है। यहाँ से आप ये देखें पब्लिक रिपोजिटरीज आपके पास सारे आ जाते हैं, ये पब्लिक रिपोजिटरीज हैं सारे, सही है। आप यहाँ से लैंग्वेज मतलब ये सारे फिल्टर्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर दिस गिट एंड गिटहब सीरीज। आई होप सो कि ये सीरीज आपके लिए फ़ायदा मंद होगा एंड आई होप सो यू आर गोना लर्न लट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज ऑल दीज सेशंस। डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड मी योर फीडबैक ऑन ऑल दीज सेशंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी रिक्वेस्ट फॉर एनी अदर सेशन रिगार्डिंग दिस गिट एंड गिटहब सीरीज or like any other topic related to Flutter, so I'm always open to your request. And that's all we have over here right now. So, apne duaon mein yaad rakhiyega. Inshallah, see you soon with any other series next one. Jo ki inshallah abhi kuch ek aur series plan karunga. So, usme phir hum dekh sakte hain ki hum kya kya kar sakte hain. But anyhow, this is all we have for this Git and GitHub series. Thank you so much for your time. And please keep me in your prayers. See you soon, inshallah. Thank you, Allah Hafiz.